महान ऋषि विभांडक की कहानी, जिनके वीर्य से एक अप्सरा नहीं बल्कि एक हिरणी गर्भवती हुई थी, जिससे कि महान ऋषि श्रृंगी जी का जन्म हुआ और इन्हीं ने राजा दशरथ के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। महाभारत के अनुसार एक बार महान ऋषि लोमस ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडक थे। इतनी रोचक सी बात को सुनते हुए युधिष्ठिर ने महान ऋषि से पूछा कि महर्षि श्रृंगी एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से समागम कैसे कर सकता है, ये कैसे सत्य है? यह ना तो धर्म संबंध है और ना ही व्यवहार संबंध है, और इस संसर्ग से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपा करके आप मुझे इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक महान तपस्वियों में से एक थे। वे कुंड में रहकर गणगौर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला कोई दूसरा नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा की तरह महान थे, विद्वान थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। एक बार उनके इस तेज से देवताओं के मन में जलन हो गया। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसके लिए इंद्रदेव से याचना की कि किसी तरह विभांडक मुनि के तप को खंडित किया जाए, और इंद्र जो कि हमेशा ही भयभीत रहते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्रराज को हासिल ना कर ले, वे देवताओं की बात में आ गए। उन्होंने विभांडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने सारे सौंदर्य के साथ ऋषि विभांडक के यहाँ जा पहुँची। वहाँ पर विभांडक मुनि जल कुंड में अपनी तपस्या में लीन थे। वहाँ जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बखेरना शुरू कर दिया। उसने बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि उत्पन्न की, साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी। उसने अपने माधुर्य का ऐसा मोहक सम्मोहन डाल दिया जिससे ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना जाग उठी, जिसके चलते बरसों से संचालित उनका वीर्य कुंड में ही प्रभावित हो गया। ऋषि का वीर्य प्रभावित होते ही उनकी बरसों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। ऋषि का वीर्य पात होते ही इंद्रदेव की अप्सरा उर्वशी अपने लोक को वापस चली गई। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक हिरणी आई जो कि बहुत ही प्यारी और कोमल थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ कर दिया और पानी में सना हुआ ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के वीर्य के तेज से उस हिरणी के पेट में गर्भ आ गया और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सर पर एक सींग भी था। इसी के चलते उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह एक महान ऋषि हुए जिससे उनका नाम ऋषि श्रृंगी हो गया। महात्मा युधिष्ठिर इतना सब कुछ सुनने के बाद लोमस ऋषि को ठोकते हुए कहते हैं कि महर्षि एक बात मुझे बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरणी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? ये तो अप्राकृतिक है, इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब महर्षि लोमस बताते कि हे धर्मराज, वह हिरणी कोई साधारण हिरणी नहीं थी, बल्कि वह अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वह देव कन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उस दिन उसके इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताया था कि जब वह किसी भी ऋषि का वीर्य अपने गर्भ में धारण करेगी और एक संतान को उत्पन्न करेगी तो वह अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी और वापस देव कन्या का सौंदर्य पालेगी।